हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एक पेटी टू कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो आज हम इस वीडियो में थोड़ा सा हटके कॉमोडिटी मार्केट के ऊपर बात करने जा रहे हैं, और आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं क्रूड ऑयल के ऊपर, जहां पे हम क्रूड ऑयल के लिए एक जबरदस्त इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के ऊपर हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम चार्ट पे आ गए, और ये जो चार्ट है आपका देख सकते हैं, क्रूड ऑयल दिसंबर फ्यूचर का चार्ट है, 15 मिनट टाइम फ्रेम वाला चार्ट है, जिसके बेसिस पे आसानी से हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो अगर आप क्रूड ऑयल यानी कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप प्रेफर कीजिए 15 मिनट टाइम फ्रेम वाला कैंडल यूज करने का, क्योंकि यहाँ पे हमें वॉलिटिलिटी ज्यादा देखने को मिलता है। 5 मिनट टाइम फ्रेम का अगर हम कैंडल यूज करेंगे, तो वहां पे कुछ कुछ हमें फॉल्स सिग्नल्स मिलते हैं, जिसको फिल्टर कर पाना उतना आसान नहीं होता है। तो अगर आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं है, तो आप 15 मिनट टाइम फ्रेम वाला चार्ट को यूज करना ज़्यादा प्रेफर कीजिए इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। उसके अलावा यहाँ पे हम आगे गोल्ड और सिल्वर के ऊपर भी बात करेंगे, उसके ऊपर भी हम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी देखेंगे। तो अगर आप कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग पोजिशंस इनिशिएट करते हैं, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आप कमोडिटी मार्केट में ट्रेड नहीं करते हैं, ये वीडियो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं, जो भी लोग कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करते हैं। अगर आपके पास इक्विटी मार्केट में अच्छा खासा पोर्टफोलियो है, तो हम कमोडिटी मार्केट के जरिए हेज करके हम जो मंदी और क्राइसिस आता है, उसका भी हम फायदा उठा सकते हैं। तो मल्टीपर्पस में काम आता है, इसलिए अगर आप ट्रेड नहीं भी करते हैं, फिर भी आपको नॉलेज होना जरूरी है, और ऐसे ही आप धीरे धीरे हमारे वीडियो के जरिए नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम इंट्राडे स्ट्रेटजी के ऊपर बात करते हैं। और ये जो इंट्राडे स्ट्रेटजी है, ये आपका किस बेसिस पे है? ये इसमें हम एक इंडिकेटर का यूज करें, और वो इंडिकेटर है आपका प्रीवियस डे OHLC, यानी प्रीवियस डे ओपन हाई लो क्लोज। लेकिन इसमें से हम चार में से सिर्फ दो चीज को यूज करेंगे, प्रीवियस डे हाई और लो को यहाँ पे हम यूज करेंगे। देखिए, हमने जो इंडिकेटर यूज किया, देख सकते हैं प्रीवियस डे OHLC है। यहाँ पे आपको ओपन हाई लो एंड क्लोज चार चीज देखने को मिल रहा होगा। हमने दो को अनटिक कर दिया, सिर्फ हाई और लो को यहाँ पे हमने यूज किया है। तो ऐसे ही आप यूज कर सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको प्रीवियस डे का हाई एंड लो लाइन दिख रहा होगा। रेड कलर का जो लाइन है, ये आपका हाई का लाइन है, और जो ग्रीन कलर का लाइन है, ये आपका लो का लाइन है। अब यहाँ पे हाई एंड लो को हमने क्यों लिया? क्योंकि अगर आप इक्विटी मार्केट में बात करें या कमोडिटी मार्केट में बात करें, प्रीवियस डे का जो भी हाई बनता है, वो आपका एक क्रूशियल और काफी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस के रूप में काम करता हुआ दिखता है, और प्रीवियस डे का जो भी लो बनता है, वो आपका एक सपोर्ट के रूप में काम करता हुआ दिखता है। ज्यादा कोई वहां पे हमें चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। तो लो आपका सपोर्ट के रूप में काम करता है, और हाई रेजिस्टेंस के रूप में काम करता है, और काफी हद तक मार्केट इसको रिस्पेक्ट भी करता है। इसलिए हम ये दो सिंपल चीज को लेके यहाँ पे हम ट्रेड करने जा रहे हैं। और आप चाहो तो यहाँ पे विदाउट इंडिकेटर भी ट्रेड कर सकते हैं। प्रीवियस डे हाई और लो को मार्क करना ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप उसके बेसिस पे आसानी से विदाउट इंडिकेटर भी ट्रेडिंग सेटअप तैयार कर सकते हैं क्रूड ऑयल के लिए। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, हमें 25th of November 2022 को अगर यहाँ पे हमें ट्रेड करना रहता, तो हमें कैसे ट्रेड करना रहता? देखिए, प्राइस आपका यहाँ पे स्लाइटली गैप अप ओपन हुआ है, और ये जो रेड लाइन है, ये क्या है? ये हमारा हाई है, और ये जो ग्रीन लाइन है, ये आपका लो है। किस दिन का है? ये आपका 23rd November का। तो यहाँ पे हमारे सामने हाई और लो मिल गया। अब यहाँ पे देखिए, प्रीवियस डे हाई को ये एज ए सपोर्ट के रूप में काम किया, यानी प्रीवियस डे हाई एज ए सपोर्ट के रूप में काम किया, क्योंकि प्राइस देख सकते हैं आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, लगभग 7 to 8 कैंडल इसी के आसपास ट्रेड किया, इसको सपोर्ट के रूप में ट्रेड किया है। उसके बाद जैसे ही प्राइस आपका इसके करीब आएगा, वापस लाइन को टच करेगा, यहाँ पे हम बाय साइड की तरफ ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। एसएल क्या होगा? जो भी क्लोजिंग कैंडल का लोएस्ट पॉइंट होगा, वो हमारे लिए एसएल के रूप में काम करता हुआ दिखेगा। यानी यहाँ पे जो हमारा एसएल बनेगा, देखिए इसका लोएस्ट पॉइंट है 6413, यानी 6413 हमारे लिए एसएल के रूप में काम करेगा। प्राइस आपका नीचे आया, यहाँ पे देखिए 6415, यानी हमारे एसएल को हिट नहीं किया। इस रेड कैंडल के देख लेते हैं 6416, यानी किसी भी तरीके से हमारा यहाँ पे 6413 के प्राइस पे नहीं आया, यानी यहाँ पे हमारा एसएल हिट नहीं हो पाया है। तो यहाँ पे हम क्या किए, आसानी से ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट कर लिया। किस लेवल पे ट्रेडिंग पोजीशन इनिशिएट किया? 6431 के पास हमने ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट किया है, और लगभग 6413 के आसपास हमारा एसएल बनता हुआ दिख गया। और यहाँ पे अगर हम टारगेट प्राइस के लिए जाएं, तो हम
प्रीवियस डे स्विंग हाई को ले सकते हैं, जो कि आपका ये लेवल है, इसको हम एज अ टारगेट के रूप में रख सकते हैं। अब प्राइस इसके करीब गया है, लेकिन एग्जैक्टली इसको टच नहीं किया, यहीं से प्राइस नीचे आने लग गया है, तो इस लेवल के आसपास हम क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग करके निकल सकते हैं। ये जो लेवल आपका बन रहा है, यहाँ पे अगर हम लेवल्स की बात कर ले, ये लेवल आपका लगभग 6540 के आसपास बनता हुआ दिख रहा है, यानी यहाँ पे हमें सफिशियंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मिलता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे हमने जो प्रॉफिट बुक किया, जो हमारा टारगेट प्राइस बन गया, वो क्या बन गया, 6535 ही हम ले लेते हैं। यहाँ पे हम जो बाई साइड की तरफ एंट्री लिए हैं, वो हमने एंट्री लिया 6430 के करीब, हमारा एंट्री जो है वो 6430 करीब है, और हमारा जो SL बन रहा है वो आपका 6413 के करीब बनता हुआ दिख रहा है। तो देख सकते हैं, इस लिहाज से भी अगर हम रिस्क रिवॉर्ड को देखें तो हमारे फेवर में ही है, और हमें यहाँ पे जबरदस्त प्रॉफिट बनता हुआ दिख रहा है, लगभग हमें 100 पॉइंट से ज्यादा का प्रॉफिट मिलता हुआ दिखा, और क्रूड ऑयल में 100 पॉइंट का प्रॉफिट सफिशियंट माना जाता है, ये एक बहुत बड़ा प्रॉफिट माना जाता है। तो यहाँ पे हमने इंट्राडे में इस तरह का प्रॉफिट निकाला। उसके बाद फिर से प्राइस आपका नीचे साइड की तरफ आया और वापस से क्या हुआ, प्रीवियस डे हाई के करीब आया, लेकिन यहाँ पे क्या किया, प्रीवियस डे हाई को ब्रेक करके नीचे आ गया। जैसे इसको ब्रेक करके नीचे आया, ये जो लेवल है वो हमारे लिए क्या काम कर रहा है, रेसिस्टेंस के रूप में काम कर गया। अब सेम लेवल इनिशियल में सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है, और एट द एंड ऑफ द क्लोजिंग रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है। अब इस रेजिस्टेंस लेवल को रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो वापस से प्राइस ग्रीन कैंडल देखिए इसके करीब आया, और जैसे ही नीचे आया, हम इस लेवल के आसपास क्या करेंगे, सेल साइड की तरफ ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ये कैंडल हमारे लिए SL के रूप में काम करेगा। फिर जो प्रीवियस डे का लोएस्ट पॉइंट है, यानी 24th ऑफ नवंबर का जो लोएस्ट पॉइंट है, वो हमारे लिए टारगेट प्राइस के रूप में काम करता हुआ दिख जाएगा। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे भी अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता हुआ दिख गया। यहाँ पे अगर हम प्रॉफिट पॉइंट की बात कर ले, तो 6400 के आसपास हम सेल कर रहे हैं, और प्रॉफिट जो बुक कर रहे हैं वो 6323 के आसपास, यानी लगभग यहाँ पे भी हमें 75 पॉइंट का प्रॉफिट आसानी से मिलता हुआ दिख रहा है। तो सेम स्ट्रेटजी को यूज करते हुए सिर्फ हाई एंड लो के बेसिस पे हम सेम डे 175 पॉइंट का प्रॉफिट आसानी से बना लिए। तो ऐसे ही आपको ट्रेड करने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, सेम स्ट्रेटजी को यूज करते हुए अगर हम 24th ऑफ नवंबर को ट्रेड लेते हैं, तो हमें यहाँ पे क्या मार्क करना होगा, 23rd नवंबर के लोएस्ट पॉइंट, 23rd नवंबर का लोएस्ट पॉइंट आपका ये रहा, ये ग्रीन लाइन लोएस्ट पॉइंट को डिनोट कर रहा है। और अगर हम इसके हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर बात करें, तो ये 23rd नवंबर का हाईएस्ट पॉइंट है, ये आपका हाई बन गया। तो ये आपका 23rd नवंबर का हाई है, और ये आपका 23rd नवंबर का लोएस्ट पॉइंट है। अब इसके बेसिस पे हमें ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट करने की जरूरत है। अब देखिए, प्राइस इन दोनों के बीच में ओपन हुआ, जब भी प्राइस आपका इन दोनों के बीच में ओपन होगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग अवॉइड करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे। ट्रेड हम तभी करेंगे जब प्राइस आपका ओपन होगा और आइदर प्रीवियस डे हाई और लो को क्या ट्रेड करें, आइदर इसको सपोर्ट के रूप में ट्रेड करें या फिर इसको रेसिस्टेंस के रूप में ट्रेड करें। दोनों में से कोई एक के जरिए ट्रेड होगा तभी हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे। और जब ये सपोर्ट के रूप में ट्वीट करे, तो यहां से हमें क्या दिखना चाहिए, रिवर्सल दिखना चाहिए। जब ये रेजिस्टेंस के रूप में ट्वीट करे, तो यहां से हमें प्राइस आपका वापस से नीचे साइड की तरफ दिखना चाहिए, यानी दोनों को रिस्पेक्ट भी करना चाहिए तभी हम ट्रेड इनिशिएट करें। यहां पे ऐसा कुछ होता हुआ दिखा नहीं है। तो यहां पे अगर देखिए, प्राइस आपका अभी भी सपोर्ट लेवल से काफी ऊपर है यहां पे, तो यहां पे भी हम ट्रेड नहीं लेंगे। अब प्राइस आपका सपोर्ट लेवल के करीब आता हुआ दिखा, तो हमें यहाँ पे कंफर्मेशन चाहिए कि एक बार और प्राइस इस सपोर्ट लेवल के करीब आए, और एटलीस्ट इस सपोर्ट लेवल यानी लोएस्ट पॉइंट को टच करें, और यहाँ से रिवर्सल दिखाए। अब यहाँ पे प्राइस आया, इसको ब्रेक करके नीचे चला गया, अब हमें यहाँ से रिवर्सल चाहिए। वापस से आपका ग्रीन कैंडल आया, इसको ब्रेक करके ऊपर निकला, और ये काफी हद तक आपका पियर्सिंग पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन किया, जो कि हमें पॉजिटिव इंडिकेशंस दे रहा। और इसके बेसिस पे हम इसी लेवल पे क्या कर सकते हैं, बाई साइड की तरफ ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट करेंगे। ये पॉइंट हमारे लिए SL के रूप में काम करेगा, और जो भी पहला हाई है, ये हाई बना, ये हमारे लिए टारगेट प्राइस के रूप में काम करेगा। और उसके बाद आप प्रीवियस डे का जो भी हाईएस्ट पॉइंट है, इसको हम एज ए टारगेट के रूप में रख सकते हैं, या फिर इसको भी एज ए टारगेट के रूप में रख सकते हैं। लेकिन प्राइस वहां तक नहीं गया, यहीं से प्राइस में हमें कमजोरी देखने को मिल गया। तो यहाँ पे अगर हम प्रॉफिट बुक कर पाए, नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, यहाँ पे दोबारा मौका मिला, तो यहाँ पे हम प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। तो ऐसे हमने जो एंट्री लिया यहाँ पे, वो लिया 63 के आसपास, और जो हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर रहे हैं लगभग 6420, यानी लगभग हमें 20 पॉइंट इधर, और इधर हमें लगभग 35 पॉइंट, यानी लगभग 50 पॉइंट के आसपास यहाँ पे भी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता हुआ दिख गया। तो ऐसे ही आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस के बेसिस पे ट्रेड करना, यानी प्रीवियस डे हाई एंड लो के बेसिस पे आपको ट्रेड करने की जरूरत है। तो एक और दिन हम देख लेते हैं, यहाँ पे अगर आप बात करें 23rd ऑफ नवंबर का,
तो 22nd ऑफ नवंबर के हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट की बात कर ले, ये आपका हाईएस्ट पॉइंट बना, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा, और ये बना है आपका लोएस्ट पॉइंट, ये हमारे लिए सपोर्ट के रूप में काम करेगा। तो देखिए अब इसी के बेसिस पर हमें ट्रेड करने की जरूरत है। यहाँ पर देखिए प्राइस आपका इसके बीच में ओपन हुआ है, तो इसके बीच में हमें ट्रेडिंग अवॉइड करना, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, यानी प्रीवियस डे लो या फिर हाई को एज ए सपोर्ट या रेजिस्टेंस के रूप में माना चाहिए। प्राइस आपका ऊपर गया है लेकिन इसको क्या किया है, इसको एज ए रेजिस्टेंस के रूप में माना है लेकिन उससे बहुत नीचे है, तो यहाँ पे हमें ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप एक पैटर्न को देखें तो काफी हद तक एक आपका पैटर्न बना है डार्क क्लाउड कवर, जो कि हमें एक निगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न के रूप में काम करता हुआ दिख रहा है। तो आप चाहो तो इसको एज ए एसएल के रूप में रखे, लेकिन वही लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं जो कि रिस्की ट्रेडर है, क्योंकि ये एग्जैक्टली यहाँ से रिवर्सल नहीं दिखा, इसको रेजिस्टेंस के रूप में माना तो है लेकिन इसको टच नहीं किया और यहाँ से हमें क्लियर वेरिफिकेशन नहीं मिला है। तो जो रिस्की ट्रेडर है इस नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न को देख के ट्रेड कर सकते हैं, यानी यहाँ पे हम सेल साइड की तरफ ट्रेड ले सकते हैं और एसएल हम इसको रखेंगे, इसके हाईएस्ट पॉइंट को नहीं। तो एसएल यहाँ पे हमें थोड़ा सा बिग दिख रहा है, इसलिए मैंने बोला है कि जो रिस्की ट्रेडर है वही यहाँ पे ट्रेड लेंगे, और जो टारगेट प्राइस आज का लोएस्ट पॉइंट है वो, या नहीं तो प्रीवियस डे का जो लोएस्ट पॉइंट है, इसको हम टारगेट के रूप में रख सकते हैं, जो कि आसानी से हिट कर दिया। अब यहाँ पे एक और चीज देखने की जरूरत है कि प्रीवियस डे लोएस्ट पॉइंट को इसने ब्रेक करके नीचे यहाँ पे आ गया। अब ये लेवल हमारे लिए क्या काम कर रहा है, रेसिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है। यहाँ पे हमें कंफर्मेशन चाहिए कि वाकई रेसिस्टेंस लेवल के रूप में काम कर रहा है या नहीं कर रहा। फिर अगला कैंडल गया, इसके ऊपर निकला लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पाया, मतलब अगला कैंडल भी दिखा रहा है कि ये जो लो पॉइंट है रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा। फिर एक और कैंडल गया इसके ऊपर लेकिन इसको भी ब्रेक नहीं कर पाया, मतलब यहाँ पे ये तीन कैंडल दिखा रहा है, ये जो लेवल है वो आपका रेसिस्टेंस के रूप में काम करता हुआ दिख रहा है। दैट मीन्स टू अब यहाँ पे हम सेल साइड की तरफ ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं, ये जो लेवल होगा एसएल के रूप में काम करेगा, और फिर हम और नीचे के टारगेट प्राइस के लिए जा सकते हैं, यानी प्रीवियस डे का जो भी लोएस्ट पॉइंट है यहाँ तक हम टारगेट प्राइस के लिए जा सकते हैं, इसको आसानी से हिट कर दिया, या फिर आप चाहो तो यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल के जरिए भी अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो। तो ऐसे ही आपको ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट करने की जरूरत है प्रीवियस डे हाई एंड लो के बेसिस पे। तो ऐसे ही आपको ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट करने की जरूरत है, बस यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि प्रीवियस डे का जो हाई और लो है वो आइदर आपका सपोर्ट के रूप में काम करना चाहिए या फिर रेसिस्टेंस के रूप में काम करना चाहिए, और यहाँ पे हमें कंफर्मेशन चाहिए कि वाकई ये सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। फिर यहाँ से हमें क्लियर डायरेक्शन चाहिए, तब हम ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट करके ऐसे प्रॉफिट बना सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज वीडियो को लाइक करके हमें इनकरेज कीजिए, ताकि इस तरह के और भी हम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कमोडिटी मार्केट के लिए रेगुलर बेसिस पे लाते रहेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।